दोस्तों, रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों, आज 2 जुलाई 2019 मंगलवार की एक बार फिर से हम आपके लिए 10 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं डिग्री, डिप्लोमा और भी अन्य योग्यता है जिनसे आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये 10 बड़ी भर्तियां निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। एम्स के अंतर्गत स्टेनोग्राफर के लिए वेरियस वैकेंसीज निकली है। सैलरी 25,500 से 81,100 लेवल 4 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। 12वीं क्लास पास कम से कम अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है और मैक्सिमम 27 वर्ष है। आयु की गणना 12 अगस्त 2019 से की जाएगी। जनरल या ओबीसी कैटेगरी के लिए ₹1,000 अप्लाई शुल्क है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस और वोमेन कैंडिडेट्स के लिए ₹200 अप्लाई शुल्क है। शुल्क आप ऑनलाइन तरीके से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और स्किल टेस्ट के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, किसी भी राज्य से आप अप्लाई कर सकते हो। aimspatna.org ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। पटना यहाँ पर जॉब लोकेशन रहेगी। वहीं बात डेट की जाए तो स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन की 29 जून 2019 थी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 12 अगस्त 2019 है। उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट, जूनियर टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, सेलीड इमीन और ड्राइवर के लिए बम्पर वैकेंसीज निकली है। सैलरी 19,900 से 25,500 पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं 12वीं कंप्यूटर डिप्लोमा वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 32 वर्ष आयु सीमा है। आवेदन शुल्क की जानकारी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट, वाइवा वो सऊ ट्रेड टेस्ट के आधार पे। ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। पूरी ओडिशा जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। district.eco.gov.in ये इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप इसका आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 1 अगस्त 2019 है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंतर्गत ही आपको इसका ऑफिशियल एड्रेस पर जिस पर आपको आवेदन फॉर्म भरने के बाद में सेंड करना होगा वो आपको नोटिफिकेशन के अंतर्गत ही मिल जाएगा और साथ साथ आवेदन पत्र भी आप नोटिस से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। सेल के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के 202 खाली पद है। सैलरी 8,600 से 58,000 पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं ITI डिप्लोमा और BBTECH अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। आयु की गणना 31 जुलाई 2019 से की जाएगी। आवेदन शुल्क 150, 250 और 500 अलग अलग पोस्ट और कैटेगरी के लिए निर्धारित किया गया है जो आप नोटिस से चेक कर सकते हो। शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और सिस्टम जनरेटेड चालान फॉर्म से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राउरकेला उड़ीसा जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। salecareers.com ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक 10 जुलाई 2019 को इसके ऑफिशियल पोर्टल पर एक्टिवेट किया जाएगा। आप 10 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 जुलाई 2019 है। उसके बाद दोस्तों, जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नैनीताल बैंक में। बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि PO और स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO के लिए 130 खाली पद है। सैलरी 23,700 से 42,020 और 31,705 से 45,950 पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, CA, BBTECH और MBA अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 27 वर्ष आयु सीमा है। आयु की गणना 31 मई 2019 से की जाएगी। आवेदन शुल्क ऑफिसर्स ग्रेड या स्केल फर्स्ट के लिए ₹1,000 है। ऑफिसर ग्रेड या स्केल सेकंड के लिए ₹1,500 है। शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से जमा करा सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर इसमें आपका चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। nainitalbank.co.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 29 जून 2019 से
लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 14 जुलाई 2019 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 14 जुलाई 2019 है। ऑनलाइन टेस्ट की टेंटेटिव डेट लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2019 है। जी हाँ दोस्तों, अराउंड जुलाई 27 से 28 2019 में इसका एग्जाम हेल्ड होगा। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में, GCRI के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज निकली है 37,400 से 67,000 पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं 12वीं MD DNB डिप्लोमा डिग्री MBBS MSc और पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 62 वर्ष आयु सीमा है। वहीं बात आवेदन शुल्क की जाए तो आप पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम या इंटरव्यू के आधार पर। ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। गुजरात जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। GCRIIndia.org ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इसका आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 12 जुलाई 2019 है। ऑफिशियल एड्रेस आपको नोटिफिकेशन के अंतर्गत ही दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, हेल्थ वर्कर, ANM, जूनियर रेडियोग्राफर कम रिसेप्शनिस्ट और हेल्थ एजुकेटर के लिए 130 खाली पद है। सैलरी आप पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। कोई भी आवेदन शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन भी बिना इंटरव्यू के डायरेक्ट रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। अंडमान एंड निकोबार इसलैंड जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। ANDNIC.IN इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इसका आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 6 अगस्त 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन में। जी हाँ दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट के लिए 1186 खाली पद है। सैलरी 5,200 से 20,200 है। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। आयु की गणना 1 जुलाई 2019 से की जाएगी। जनरल या OBC के लिए 185 रुपये अप्लाई शुल्क है। SC ST के लिए 95, जबकि PH के लिए 25 रुपये है। शुल्क आप ऑनलाइन तरीके से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। UP SSC.GOV.IN इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती के लिए स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन करने की 26 जून 2019 थी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 20 जुलाई 2019 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 20 जुलाई 2019 है। ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन की डेट लास्ट डेट 27 जुलाई 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में, रिसोर्स पर्सन के लिए 45 खाली पद है। सैलरी 33,000 से 40,000 पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट और BEd डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। 30 और 40 वर्ष मेल और फीमेल के लिए मैक्सिमम आयु सीमा है। आयु की गणना 10 जुलाई 2019 से की जाएगी। कोई भी शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा, ना ही कोई एग्जाम देना होगा और ना ही कोई इंटरव्यू। डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। न्यू दिल्ली जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। edudl.nic.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई 1 जुलाई 2019 से। जी हाँ दोस्तों, कल से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप 10 जुलाई 2019 तक डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, नगर निगम के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। टेक्निकल असिस्टेंट, ड्राइवर, हेरिटेज कोऑर्डिनेटर, सुपरिटेंडेंट, रेजिडेंट मेडिकल कोऑर्डिनेटर, डिप्टी अकाउंटेंट, क्यूरेटर, फोर्ट मैनेजर और इंजीनियर के लिए 234 खाली पद है। सैलरी 3,050 से 39,100 है। 10वीं ITI डिप्लोमा MBBS DGO MBBGO MD या ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं। 40 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। आवेदन शुल्क की जानकारी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। सूरत गुजरात जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। surat.municipal.gov.in इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 25 जून 2019 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 12 जुलाई 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 10th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है विधानसभा में, रिपोर्टर के लिए बंपर वैकेंसीज है। 53,100 से 1,67,800 लेवल 9 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 37 वर्ष आयु सीमा है। आयु की गणना 1 अगस्त 2019 से की जाएगी। जनरल या OBC के लिए 600 रुपये अप्लाई शुल्क है। SC ST वोमैन के लिए 150 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन तरीके से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से जमा करा सकते हो।
सिलेक्शन होगा शॉर्ट हैंड टेस्ट के आधार पे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। vidhansabha.bih.nic.in का ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। इस भर्ती के लिए भी कल से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, आप 19 जुलाई 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि मंगलवार की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको बिन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से सभी की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर सभी के प्रोवाइड किए गए हैं, आप सिंपली किसी भी पोस्ट का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और जिस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा उसी के नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। और जिस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा उसी के साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, आप किसी भी भर्ती का आवेदन पत्र यहीं से डाउनलोड कर सकते हो और भरने के बाद में ऑफिशियल एड्रेस पर लास्ट डेट से पहले पहले सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।